का कुछ नतीजा दिखने लगा है। यूजीसी बीए के लिए नया सिलेबस लेकर आया है। इस सिलेबस में मुगलों के इतिहास की बजाय भारतवर्ष के इतिहास, भारतवर्ष की महान परंपराओं और वेदों को ज्यादा महत्व दिया गया है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि कैसे यूजीसी ने नए सिलेबस में मुगलों की महानता के वामपंथी इतिहासकारों द्वारा रचे गए षड्यंत्र को किनारे कर वेदों और भारतवर्ष को बढ़ावा दिया है। देश के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूजीसी बीए के लिए नया सिलेबस लेकर आया है जो मुगलों के इतिहास पर कम और भारत और संस्कृति पर अधिक केंद्रित है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह अद्भुत है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने फरवरी और मार्च के बीच कई स्टेक होल्डर से सुझाव प्राप्त करने के बाद इस सप्ताह लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्नातक इतिहास पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। हालांकि इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस के सामने आने के बाद कई लोग हंगामा भी खड़ा कर रहे हैं। इस सिलेबस में वैदिक साहित्य पर अधिक ध्यान दिया गया है और मुगल कालीन इतिहास को कम किया गया है। मुगल कालीन इतिहास के बजाय भारतीय साम्राज्य जैसे विजयनगर को अधिक महत्व दिया गया है। हम सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पुरानी पठन सूची में सिर्फ आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया गया था। उसी तरह की किताबें पढ़कर, इतिहास पढ़कर भारतीयों के मन में अपने ही देश, संस्कृति, परंपराओं और विरासत के लिए गर्व का भाव नहीं रहा। यहाँ तक कि ऐसी किताबों ने भारतीयों को उनकी जड़ों से करीब करीब दूर ही कर दिया। धीरे धीरे भारतीयों के मन में उनकी संस्कृति को लेकर हीन भावना का भाव आ गया। अब उसी भूल को सुधारा जा रहा है। इस सिलेबस की सबसे खास बात द आइडिया ऑफ भारत नामक एक पेपर है जो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। इस पेपर में सनातन धर्म, संस्कृति, वैदिक इतिहास और साहित्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पेपर का मकसद भारतीय युवाओं को उनकी मातृभूमि से जोड़ना है। वामपंथियों ने अपनी मनमानी कर देश के इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी की है और देश की संस्कृति तथा इतिहास को नकारने का भरपूर प्रयास किया है। ये उसी नैरेटिव को बदलने की एक शुरुआत है। सिलेबस का पहला पेपर द आइडिया ऑफ भारत भारतीय इतिहास के एक भारतीय दृष्टिकोण के लिए आधार निर्धारित करता है। इसमें भारत के ज्ञान, कला, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस पेपर के चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमारी संस्कृति का, हमारे अस्तित्व का सार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस यूनिट में भारतवर्ष की समझ, भारत की शाश्वतता, समय और स्थान की भारतीय अवधारणा, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि के महत्व को वर्णित किया गया है। अगला यूनिट भारतीय धर्म, दर्शन और वसुदेव कुटुम्बकम पर आधारित है। इसमें धर्म और दर्शन की भारतीय धारणा के बारे में युवाओं को पढ़ाया जाएगा। वहीं वसुदेव कुटुम्बकम की अवधारणा को मनुष्य, परिवार, समाज और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें राजनीति और शासन, जनपद और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को शामिल किया गया है। द आइडिया ऑफ भारत पेपर का अगला यूनिट विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान पर आधारित है। ये यूनिट प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय दृष्टिकोण, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा भारतीय अंग प्रणाली और गणित से युवाओं को अवगत कराएगा। इस सिलेबस के पहले पेपर में जिन टॉपिक्स को शामिल किया गया है उनकी लंबे समय से राष्ट्रवादियों द्वारा मांग की जा रही थी। इस सिलेबस के प्राचीन भारत के पाठ में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है जो वामपंथी इतिहासकारों का सबसे बड़ा काल्पनिक प्रोपेगेंडा था। इस सिलेबस में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को स्पष्ट तौर से एक मिथक कहा गया है। इसके साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को उसके इस नाम से ना पुकार सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। यह बदलाव भी भारतवर्ष के वास्तविक भौगोलिक विस्तार को प्रस्तुत करने के लिए बेहद आवश्यक था। यह पहली बार है कि आधिकारिक तौर पर भारत में कहा जा रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता लुप्त नहीं हुई है बल्कि बच गई है। हमारे सनातन राष्ट्र की सांस्कृतिक निरंतरता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सिलेबस में सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता के संबंधों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही सिंधु सरस्वती सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उसकी निरंतरता, पतन और उत्तर जीविता को शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस में भारत पर मुस्लिम शासन के प्रभाव पर एक अध्याय है। भारत पर अरब बाद के इस्लामिक आक्रमणकारियों का प्रभाव अभूतपूर्व था। इस पर चर्चा और बहस की जरूरत है। कई वर्षों से विजयनगर जैसे महान साम्राज्य को मिटाए जाने की असफल कोशिश की गई, परंतु जो स्वयं समय है उसे मिटाना वामपंथी इतिहासकारों के बस का नहीं। इस सिलेबस में विजयनगर पर एक पूरा चैप्टर है। यह एक और संतुलित पेपर जो पूरे देश को कवर करता है। यही नहीं, इसमें आरसी मजूमदार और सीवी वैद्य जैसे भारतीय इतिहासकारों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है जो कि बेहद आवश्यक था।
इस पेपर में मध्यकाल को एक गंभीर रीमॉडलिंग किया गया है, जिसमें राष्ट्र इतिहास की बेहतर समझ के लिए भारत के बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए यूजीसी के इतिहास पाठ्यक्रम में संशोधन से विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी द्वारा बीए के लिए लाए गए इस नए पाठ्यक्रम को देखकर एक उम्मीद जागी है। इस बदलाव का असर भले ही आने वाले एक दो वर्षों में ना दिखे, लेकिन यह आने वाले 10 से 20 वर्षों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निर्णायक कदम होगा। न सिर्फ वे भारतीय संस्कृति के महत्व को समझ पाएंगे, बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ पाएंगे और साथ ही भारत पर इस्लामिक शासन के नकारात्मक असर को आत्मसात कर सकेंगे।